है दोस्तों, कल Realme CEO माधव सेठ ने एक ट्विटर पे ट्वीट कर दिया और सबको हिला दिया कि एक ट्वीट्स किया और ट्वीट में लिखा हुआ था कि Realme फर्स्ट 64 मेगापिक्सल कैमरा और वाटरमार्क में एक छवि दिया है और उसमें लिखा हुआ है क्वाड कैमरा, यानी Realme लॉन्च करने वाला है 64 मेगापिक्सल वाला क्वाड कैमरा वाला एक फ़ोन, तो काफ़ी अमेजिंग हुआ। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इस फ़ोन के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन का नाम क्या होगा। तो इस फ़ोन का नेम शायद न्यू सीरीज़ हो सकता है, Realme X Pro बताया जा रहा है, X Pro होगा तो X Pro नहीं हो सकता, शायद Realme अलग सीरीज़ हो सकता है, अलग कोई सीरीज़ लॉन्च कर दे। और फ्लैगशिप, ये तो फ्लैगशिप फ़ोन होगा, स्नैपड्रैगन 855 होगा। चलिए कुछ स्पेक्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें एमोलेड डिस्प्ले होगा, कोई नॉच नहीं होगा, पॉपअप कैमरा होगा और सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, और फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन हो गया, 6.6 या 5 समथिंग डिस्प्ले हो सकता है। और पीछे के साइड ग्लास बैक होगा, इतने दिन से चला आ रहा है Realme ग्लास बैक ही नहीं दे रहा है, Realme X में भी नहीं दिया और इसमें शायद दे सकता है, शायद नहीं 100% कन्फर्म है ग्लास बैक होगा ही होगा। तो अब बात करते हैं इस फ़ोन का कैमरा के बारे में। तो कैमरा ही मेन पार्ट होगा, पीछे के साइड मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप, एक प्राइमरी कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल का, सैमसंग GW1 वाला सेंसर होगा जो सैमसंग ने हाल ही में ही अनाउंस किया है, और सेकेंडरी एक कैमरा होगा टेलीफोटो 13 या 8 मेगापिक्सल का, और 16 मेगापिक्सल या 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा, और 5 मेगापिक्सल का शायद डेप्थ सेंसर हो सकता है। ऐसा ही 4 कैमरा होगा, फ्रंट कैमरा पॉपअप हो सकता है 25 मेगापिक्सल या 32 मेगापिक्सल, इन दोनों में से कुछ होगा, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। और अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस इसमें तोड़ फाड़ मिलने वाला है, स्नैपड्रैगन 855 मिलने वाला है, तो बहुत अच्छी तोड़ फाड़ परफॉर्मेंस मिलेगी, देखते हैं परफॉर्मेंस के मामले में तो आएगा तब भी बताएंगे और अभी बताएं, ये तो तोड़ फाड़ होने वाला है, बस सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन अच्छी कर देना तो ये काफ़ी कमाल हो सकता है। और Realme का कलर OS 6 मिलेगा जो अभी चल रहा है लेटेस्ट, वही मिलेगा। और अब बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो बैटरी शायद जो Realme 3 Pro में है वैसा ही बैटरी 4000 mAh या 4045 या ऐसे ही समथिंग आ सकता है, और वूक चार्ज के साथ आएगा, शायद वूक चार्ज अगली बार से वॉक चार्ज जो 30 है ना वो दे दे तो काफ़ी अच्छा है होगा, बट 20 तो कन्फर्म आने वाला है, बट 30 भी आ सकता है। तो यही होता है इस फ़ोन का फुल ऑन पैकेज, और जो बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा, जो स्पीकर डुअल स्पीकर हो सकता है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट हो सकता है, स्लॉट कोई जो सिम स्लॉट होगा उसमें कोई SD कार्ड लगाने का स्लॉट ही नहीं होगा, बेस वेरिएंट शायद 128 GB का हो सकता है, 6 GB रैम वाला हो सकता है, और ये 256 या 10 GB पर तक भी जा सकता है, तो कह नहीं सकते, और 256 GB तक इंटरनल मेमोरी जाएगा। तो यही होता है इस फोन का स्पेसिफिकेशन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, दोस्तों गुड बाय।